हम लोग अतुल सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अतुल सर बीएड वाले के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि डीएलएड वाले का तो एग्जाम आप ले लीजिएगा, बीएड वाले का तो एग्जाम भी आप लेने के बाद बहुत डर लग रहा है मैम। इतना दिन हम लोग वेट किए हैं इसके पीछे, है ना, मेहनत भी किए हैं बहुत ज्यादा, तो उसके बाद गवर्नमेंट अपना क्लियर स्टैंड जब ले लेंगे ना, उसके बाद आप डेट निकालिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम में अपियर होंगे। अगर आप ऐसा लेटर जारी नहीं करते हैं, कल मान लीजिए हमारी लाइफ बर्बाद होगी। डर के साथ जी रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा है, एग्जाम का कुछ पता नहीं चल रहा है, न नीतीश सरकार कुछ कर रही है, न बीपीएससी कुछ बोल रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था, आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले योग्य नहीं होंगे, जिसके बाद आपने देखा था कि बीएड किए हुए शिक्षकों में काफी नाराजगी थी, काफी गुस्सा भी था और काफी डर भी देखने को मिल रहा था। आपको बता दें कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़ी है और यहाँ पर मेरे साथ जो है वो बीएड शिक्षक मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, साफ कहा है कि परीक्षा तो अपने तय समय सीमा पर ही होंगे, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कुछ करने आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष, यहाँ क्यों आए हैं? मैम, यहाँ क्लियर करने आए हैं। बात यहाँ ये हो रहा है कि जैसे ये जो बीपीएससी ट्राई टीआरई जो है, इसमें 3 चांस दिया जा रहा है, और ये जो हमारा जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ये जो बिहार सरकार, ये क्लियर नहीं कर रहा है कि बीएड कहाँ खड़ा है, मतलब कि इस एग्ज़ाम देने के बाद बीएड का क्या है। अगर मान लीजिए वहाँ कोर्ट का ऑर्डर आया है कि बीएड 125 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम यहाँ क्लियर करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो हमको एक डिटेल में बताए कि अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो फिर हम बहाली में शामिल होंगे या फिर उस लेटर के हिसाब से हमको बाहर कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए बाहर कर दिया जाता है तो हमारा एक चांस बर्बाद हो जाएगा, 3 मौका मिल रहा है, तो कौन एक चांस गंवाना चाहेगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ क्यों आई है, कोई ज्ञापन लेकर आप लोग यहाँ पर आई हैं? हाँ, हम लोग बीपीएससी कल्याण इसलिए आए हैं कि अतुल सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जाम का स्थगित करके आगे का डेट, एग्जाम स्थगित हो जाए, ये मांग लेकर यहाँ पर आई जी, क्योंकि हम लोग बीएड वाले के लिए अभी एनसीटी कोई गाइडलाइन नहीं निकाली है, इसके कारण बीपीएससी ऑफिस, हम लोग अतुल सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अतुल सर बीएड वाले के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि डीएलएड वाले का तो एग्जाम आप ले लीजिएगा, बीएड वाले का तो एग्जाम भी आप लेने के बाद, बीएड वाले की जिंदगी तो अभी बीच मझधार में चल रही है, क्योंकि अतुल प्रसाद सर ये बोल चुके हैं कि बीएड का एग्जाम तो आप लोग उसी समय पर, बाकी हम रिजल्ट बीएड वालों को देंगे कि नहीं देंगे उस पर हम अभी नहीं कुछ बोल सकते, इसलिए हम अतुल सर। अच्छा, तो ज्ञापन सौंप दिया अंदर? नहीं, अभी तो नहीं गए हम लोग, सौंप अभी ज्ञापन सौंपिएगा जाके अंदर। क्या लगता है, बात मानेंगे अतुल प्रसाद? देखिए, अब अतुल प्रसाद सर का ही तो हम लोग। क्या नाम है आपका? कुमार गौरव नाम। यहाँ पर क्यों आए हैं? मैम, हम लोग का जो है एनसीटी का जो थी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है मैम, उसके अनुसार अगर मान लीजिए हम लोग बीएड का जो 24 तारीख को एग्जाम है उसमें अपियर होते हैं, तो उसके बाद हम लोग का फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है मैम, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं हुआ किया गया है अभी तक कि आप लोग का क्या होगा इस एग्जाम के बाद। अगर हम लोग अपियर हुए मैम और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है, देखिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया तो बोलते हुए घबराहट, डर कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है मैम, इतना दिन हम लोग वेट किए हैं इसके पीछे, है ना, मेहनत भी किए हैं बहुत ज्यादा, फिर से लग रहा है कि फिर से कहीं फिर से टूट जाएगा मैम। हाँ, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं क्या कि ये जो है ना पोस्टपोन हो जाए ये डेट ना, चाह रहे हैं कि एग्जाम को अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए और उसके बाद गवर्नमेंट अपना क्लियर स्टैंड जब ले लेंगे ना, उसके बाद आप डेट निकालिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम में अपियर होंगे। अभी तक सरकार या शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आया है, क्यों आप लोग की फिक्र नहीं है क्या सरकार को? देखिए, सरकार बहाली करना नहीं चाहती, सरकार बहाली को फंसाना चाहती है। सरकार बीएड डीएड को आपस में लड़ा दिया है, देखिए 4 साल से स्टेट नहीं हो रहा, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, अभी बहाली दिए हैं, इतना हड़बड़ी क्यों है? जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, आपको फैसला को मानना होगा। अगर फैसला को आप मान रहे हैं, हम बीएड अभ्यर्थी कहाँ हैं आप हमको बताइए, एक लेटर जारी कीजिए, आप एग्जाम लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप एक लेटर जारी कर दीजिए, उसमें आप बताइए अगर बीएड वालों का सिलेक्शन होगा हम आपको भर्ती में शामिल करेंगे, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ऐसा लेटर जारी नहीं करते हैं, कल मान लीजिए हमारी लाइफ बर्बाद होगी, कितने सालों के बाद बहाली आई है, उसके बावजूद अगर मान लीजिए कल हम लोग फिर वंचित रह जाएंगे, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानी, हम लोग जस्ट सड़क पर उतरने वाले हैं, और सड़क पर उतरिएगा सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? वैसे भी हम लोग बेरोजगारी के चक्कर में भूखे प्यासे मर रहे हैं, सड़क पर उतरेंगे क्या करेंगे बताइए? हम लोग सड़क पर उतरिएगा तो करियर बर्बाद हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं महाराज आप, कह रहे हैं सड़क पर उतरेंगे
करेंगे, आंख में आंसू क्यों आ गया है? अरे अभी करियर कौन बचा हुआ है, यूं ही करियर तो बर्बाद ही है। करियर बचा रहता तब तो लोग बचाने का नहीं लग रहा है। सड़क पर उतरिएगा, उसके बाद कहीं डंडा ना खाना पड़े। डंडा खाने लाठी खाए किसी भी तरीके से हमारी बात मान ले, 6 to 8 में बहाली दे दें, स्टेट टेपरिंग में हम लोग को शामिल कर लिया जाए, जिससे बीएड वालों को जीवन बच जाएगा। अदरवाइज क्या होंगे, सब लोग यूं ही भूखे रोड पर टहल रहे हैं। देखिए जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम लोग कभी सचिवालय जा रहे हैं, कभी बीपीएससी ऑफिस आ रहे हैं, एग्जाम की कोई तैयारी नहीं कर रहे, एग्जाम कुछ तैयारी नहीं कर। हम लोग रात दिन 11 तारीख को फैसला है, 11 तारीख से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। गवर्नमेंट कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है कि आप लोग बीएड वाले कहाँ खड़े हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि भाई आप एक लेटर जारी करके बताएं कि आप इस बहाली में शामिल हैं नहीं शामिल हैं। हम लोग लोन लेके बीएड किए हैं, लोन लेकर बीएड किए हैं मैम। ये केस चल रहा था पिछले 2018 से चल रहा था। अब तो घर वाले भी खूब सुनाई हैं, घर वाले परेशान हैं मैम, घर वाले भी परेशान हैं। क्या कह रहे हैं, घर से कोई प्रेशर आ रहा है? बहुत प्रेशर है, हम पटना में रह के तैयारी कर रहे थे, बोल रहे थे वापस आ जाओ, कोई उम्मीद नहीं है, क्या करेगा नहीं करेगा, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पांडे हुआ। क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल के अरमा फिर से टूटने वाले? बिल्कुल वही है, जब 11 तारीख को फैसला आया तो हम लोग पैर तले तो जमीन खिसक गया, पैर तले जमीन खिसक गया, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल भी हम लोग नहीं सोचे हुए थे। इसके लिए हम लोग जो है अभी 2-3 months से जो है लगातार कंटिन्यू अपने रूम में बैठ कर लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब तक एनसीटी गाइडलाइन आए तब तक हम लोग पूरे बिखरे हुए सब फील कर पा रहे हैं। अच्छा सरकार भी इस पर, जब से एनसीटी के जब गाइडलाइन आ गया कि 2018 का ही जब गजट कैंसिल हो गया, तो किस बेस पर जो बीपीएससी जो है, लेकिन आप सुनने में ये भी आ रहा है कि एनसीटी और विभाग के बीच जो है आज बैठक होने वाली है? बिल्कुल आज विभाग के से तो बात सुनने में आ रही है, लेकिन अभी तक ये क्यों कोई भी न्यूज नहीं आया, नहीं सरकार के द्वारा बोला गया, यहाँ तक नीतीश चाचा भी बोल चुके हैं वहाँ पर कि नहीं आप बीपीएससी का एग्जाम इसी मंथ में होगा। तो हम और अभी हम लोग संशय का मन में बैठा हुआ है, आप बोल रहे हैं कि अपने तय सीमा पर होगा, इधर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं वो जिस बेस पर आपने ये जो वैकेंसी निकाला था वो बेस ही खत्म हो गया, फिर एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। क्या कीजिएगा अगर सरकार अभी भी क्लियर नहीं करती है, कुछ मालूम नहीं होता है तो आगे क्या कीजिएगा? हाँ हम लोग अभी बस 2-4 दिन में के अंदर में हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे और इसके लिए हमको जो करना पड़े हम लोग वो करने के लिए तैयार है, जो करना पड़े वो करेंगे। बिल्कुल हम लोग उसके लिए तैयार है, क्योंकि अब हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है होने के लिए, अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए हम लोग जो है सरकार के लिए, सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए जितनी लाठी डंडा मारना है कुछ भी मार लो, लेकिन हम लोग वहाँ से हटने वाले अब नहीं है, हटने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एनसीटी का गजट आने तक अगर सरकार परीक्षा नहीं रोकती है, जब तक एनसीटी क्लियर न कर दे हम किसको शामिल कर रहे किसको शामिल नहीं कर रहे, पूरा एनसीटी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करे, अगर तब तक अगर परीक्षा होगी इसका मतलब सरकार को बहाली करने का नियत बिल्कुल नियत में खोट है और आप बहाली करना नहीं चाहते हैं। सरकार के नियत पर सवाल उठा रहे, एकदम सवाल उठा रहे हैं। आप बीएड डीएलएड वालों को लड़ाना चाहते हैं, आप एनसीटी से ऊपर नहीं है, एनसीटी गाइडलाइंस आने तक आप टीआरओ को रोकिए और जब गाइडलाइंस आ जाए उसके बाद स्पष्ट एक लेटर जारी कीजिए, जिससे हम लोग पूरा निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सके और तैयारी कर सके एग्जाम का। चलिए क्या नाम है आपका? प्रीतम जायसवाल नाम। अच्छा ये बताइए कैसा लग रहा है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है बीएड वालों? डर के साथ जी रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चल रहा है, एग्जाम का कुछ पता नहीं चल रहा है, न नीतीश सरकार कुछ कर रही है, न बीपीएससी कुछ बोल रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आगे क्या कीजिएगा अगर इसी तरह से सस्पेंस बना रहा तो क्या कीजिएगा? आगे हमें तो रोड पे उतरना पड़ेगा और कोई आंदोलन कीजिएगा, आंदोलन करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं, घबराहट नहीं हो रही है? आप लोग कह देते हैं आंदोलन कर रहे हैं, मालूम नहीं है कि आंदोलन कीजिएगा करियर बर्बाद होगा। करियर बर्बाद तो ऐसे भी हमें आगे कहाँ का करियर है ही नहीं, हम लोग का तो बर्बाद है, एकदम खत्म है। अब क्या करियर बचा होता तब ना, कोई कैरियर नहीं है, कोई कैरियर नहीं है। बहाली का 5 साल से इंतजार कर रहे थे, अब बहाली आया किस कंडीशन में आया कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मतलब तैयार है, डंडा खाने के लिए भी तैयार है, सड़कों पर उतरिएगा, डंडा पड़ेगा, महिलाएं भी है साथ में, सोच के बोल रहे हैं पूरा पूरा। एक तो रेगुलर वैकेंसी नहीं देती है, 5 साल में देती है और बोल बाद में बताएगी सरकार की ये हुआ वो हुआ, अपना अपना नियम 50 बार, जब वो अंदर में बैठे हुए तो एक बार नियम उसको निकालना चाहिए। बहुत लोग हमसे, हम तो टीचर हैं, हम लोग एग्जाम में बैठेंगे उसका प्रिपरेशन करेंगे कि यहाँ पे आएंगे बार बार ये करने वो करने। अब हम लोग के लिए मैम 1 से 5 में भी बाहर हो जाएंगे, 6 to 8 में भी हम लोग को सीट नहीं मिला है और 9, 10, 11, 12 का स्टेट में भी अपीयरिंग को मौका नहीं दिया। मतलब तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार रुख साफ करे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए तो देखा आपने लोगों ने क्या कुछ कहा है, देखिए साफ कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द अपना रुख साफ करे, साफ कह रहे हैं कि अब धैर्य की भी सीमा होती है, अब धैर्य भी जवाब दे रहा है, अल्टीमेटम तक दे दिया है, साफ कहा है कि 1 से 2 दिन में क्लियर कीजिए नहीं तो फिर से बड़ा आंदोलन होगा।
तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।